इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का जारी है। बेलगाम में पॉजिटिव मरीजों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं निजी अस्पताल वालों की मनमानी भी जारी है। अवाम की जानिब से निजी अस्पताल और बिम्स के खिलाफ एहतजाज भी किए जा रहे हैं। आज डिस्चार्ज होने का आंकड़ा भी तारीख की रहा। 800 के करीब मरीज डिस्चार्ज हुए तो 300 के करीब नए पॉजिटिव मामले पाए गए। जिस तरह की भीड़ बाजारों में देखी जा रही है, अब लोगों ने भी कोरोना को नज़रअंदाज करना शुरू किया हुआ है। बाजारों में कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आ रहा। इत्तेहाद न्यूज़ की खबरों का भी असर देखा गया। इत्तेहाद न्यूज़ की जानिब से जो सवाल उठाए गए थे कि बिम्स के तमाम तफसीलात शाया क्यों नहीं किए जाते, तो इस पर आखिर बिम्स ने अपनी वेबसाइट शुरू की और उसके ज़रिए से तफसीलात को भी शाया करना शुरू किया हुआ। कोरोना वार्ड में 740 बेड हैं, जिसमें से 347 बेड खाली हैं और 393 पर मरीजों का इलाज जारी है। आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन दवाखाने अस्पताल अब शुरू हो चुके हैं, पर इलाज कम और कमाई का जरिया ढूंढने वाले अस्पतालों की गिनती भी काफ़ी है। इन कोरोना के वक्त क्लिनिक बंद करने वाले भी अब खिदमात अंजाम देने के लिए बाहर निकले हुए। खैर, अल्लाह इन्हें पैसे कमाने की बजाय गरीब आवाम की खिदमात अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, यही दुआ कर सकते हैं। वाजर है, डॉक्टरों, सिविल अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों को लेकर आवाम में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। बाजारों में, शॉपिंग मॉल, होटलों में बढ़ती भीड़ देखकर क्या कोरोना खत्म हो रहा है, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है, पर हुकूमत अब इससे कुछ ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आ रही हुकूमत जिस मौजू में ज़्यादा दिलचस्पी या संजीदा रहती है या जिसे हुकूमत को दिलचस्पी रहती है, उन्हीं खबरों को टीवी के जरिए चलाया जाता है। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी राम मंदिर, तो कभी कोरोना। पर भी पिछले कई महीने टीवी पर यही देखा जा रहा था, अब टीवी से कोरोना की खबर ही गायब है, क्योंकि अब हुकूमत को किसी और नए मौजू की तलाश है। तब तक सुशांत सिंह राजपूत जैसे देश के हक में किसी तरह का भी फायदा नहीं है, सुबह शाम इसी को चलाया जा रहा है और आवाम भी देश के सबसे बड़े मसले की तरह इस पर चर्चा करती रहती है। असल में भारत देश के आवाम की जहनियत की ही इस तरह की है कि मीडिया जिस दिशा में ले जाना चाहता है उसी तरफ दौड़ती है। फिर देश को धर्म की आग में धकेलने का मंसूबा क्या हुकूमत बना रही है, ऐसा शक दिल में पैदा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान के ने मुसलमान आईएएस आईपीएस अफसरों पर सवाल उठाते हुए भारत के सरकारी दफ्तरों में नए अफसरों का होना नौकरशाही जिहाद के तौर पर पेश किया जा रहा है, यही वो शख्स था जिसने कोरोना जिहाद का लफ्ज वगैरह ईजाद किया। मतलब यह मौजू यूं ही नहीं छेड़ा जा रहा है, क्योंकि छोटी सी फेसबुक पोस्ट पर मुकदमा दर्ज करने वाले अब कहाँ जाते हैं, जब एक साजिश के तहत टीवी चैनल पर खुलेआम मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर घोलते रहते हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत पूरी तरह से संघीय एजेंडे पर काम को अंजाम देती रहती है। सुशांत सिंह जैसे मौजू को सुबह शाम चलने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता इस दिशा में दिगर चैनल भी इकदाम करेंगे, क्योंकि गिरती मईशत, बेरोजगारी, महंगाई पर हुकूमत को इस्तीफा ही देना पड़ेगा या सरकार चली जाएगी। लिहाजा किसी तरह का मौका न देते हुए तेजी के साथ मसलों में उलझाकर हुकूमत पर कायम रहने का तरीका भाजपा ने सीख लिया है। इतना जरूर है कि आवाम की खामोशी इस देश को गहरे खाई में धकेलने के लिए काफी हो गया। अब आवाम को ही फैसला बहुत जल्द लेना होगा। बेलगाम शहर में एक बार फिर तनाव का माहौल रहा। पिरनवाड़ी में शिवाजी महाराज के पुतले के सामने डिवाइडर पर रात 4 बजे फिर संगोली रायन्ना का पुतला बिठा दिया गया, जिससे बेलगाम शहर और अतराफ में तनाव का माहौल देखा गया। इससे पहले 15 अगस्त यौम आज़ादी के दिन इससे तनाव का माहौल, क्योंकि 15 अगस्त की रात को भी बिठाया गया था, उसके बाद पुलिस ने उसे उतारा था। इसके बाद मराठी कन्नड़ तनाजा खड़ा हुआ। मराठी लोगों ने इस पुतले पर एतराज करते हुए शिवाजी चौक में संगोली रायन्ना का पुतला बिठाना मुनासिब नहीं, लिहाजा इसे किसी दूसरी जगह पर बिठाने की मांग की। वही संगोली रायन्ना अभिमानी और हिमायतियों ने इसे किसी हाल में इसी चौक में बिठाने की मांग पर
अड़े रहे। साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने ट्वीट के जरिए संगोली रायन्ना पुतले को हटाने को गलत साबित करते हुए जल्द इस मसले को सुलझाने का मुतालबा किया। इसके बाद मामला और संजीदा होता गया। बेलगाम जिले वजीर रमेश जारकीहोली ने जल्द फैसला लेने का भरोसा भी दिलाया था। कई बार संगोली रायन्ना हिमायती ने रमेश जारकीहोली से मुलाकात कर जल्द पुतले को बिठाने की मांग की है, पर कल रात की वारदात से फिर एक बार शहर में तशद्दुद कायम होने के इम्कान रोशन हुए, पर पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए हल्का लाठी चार्ज भी किया और गैर कानूनी तौर पर पुतला बिठाने वालों पर कार्रवाई का इशारा भी दिया। पुलिस अफसर मोहतरमा सीमा लाटकर ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पूरे शहर में इंतजामिया की जानिब से चौकसी बढ़ा दी गई है। आखिर शिवाजी महाराज के सामने ही रंग संगोली रायन्ना का पुतला बिठाने की जिद क्यों? क्या वाकई इससे पहले संगोली रायन्ना चौक ही कहा जाता था, जिसे लेकर कन्नड़ तंजीमों ने स्वतंत्र वीर संगोली रायन्ना के पुतले को बिठाने की जिद की है? क्या जिस तरह बेंगलोर फसाद के पीछे सियासत है, उसी तरह से बेलगाम में कन्नड़ मराठी तनाजे के पीछे भी कहीं सियासी मंशा तो नहीं? ऐसा सवाल अवाम की जानिब से किया जा रहा। काकती में दो गिरोह आपस में टकराए, एक की मौत। बेलगाम शहर काकती के अंबेडकर गली में शराब के नशे में धुत कुछ नौजवान रात देर किसी के पास पैसे पूछ रहे थे। उस वक्त वहां से गुजरने वाले सलाउद्दीन नामी शख्स ने पैसे क्यों पूछ रहे हो कहकर इन्हें हटाने की कोशिश की। इस वक्त अमर श्याम मेत्री और आखिल शिवप्पा मेत्री ने तेज हथियार से सलाउद्दीन पकाली पर हमला किया। जख्मी सलाउद्दीन को अस्पताल ले जाया गया, पर दरमियान में ही इनका इंतकाल होया। पुलिस ने आखिल शिवप्पा मेत्री और अमर श्याम मेत्री को गिरफ्तार किया है। दिगर मुजरिमों की तलाश जारी है। काकती पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मुहर्रम का जुलूस इस साल नहीं होगा। गणेश और मुहर्रम का त्यौहार साथ में ही है। गणेश का विसर्जन 11 दिन के बाद होता है, तो यौम आशुरा भी मुल्क भर में मनाया जाता है। लिहाजा 29 अगस्त को पूरे मुल्क में आशुरा के जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। बेलगाम शहर में ताजे ताबूत का एहतमाम किया जाता था, पर अब कहीं पर मुहर्रम का माहौल नजर नहीं आ रहा। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बम्बई में बड़े पैमाने पर शिया मुसलमानों की जानिब से मातम का जुलूस निकाला जाता है। शिया लीडर कल्ब जवाद की जानिब से अदालत में पिटीशन दर्ज करते हुए उन्होंने जुलूस पर पाबंदी क्यों कहते हुए लिखा है कि जब जगन्नाथपुरी या दिगर शहरों में बड़े मंदिरों में यात्राओं का एहतमाम बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो मुहर्रम का जुलूस क्यों नहीं? पर कल्ब जवाद की पिटीशन को रद्द करते हुए किसी तरह का जुलूस नहीं होगा, ऐसा अदालत ने कहा। अब आवाम की जानिब से सवाल यह पूछा जा रहा है कि गणेश का जुलूस अदालत की पाबंदी के बावजूद भी निकलेगा या सिर्फ मुहर्रम पर ही सख्तियां होंगी। यूं ही खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।